मुझे जरूर सजा देंगे। अब मैं क्या करूँ? गया। जब मैंने नौकर को सफाई करने के लिए अंदर आने दिया तब तो यही था। मैं अभी उससे पूछता हूँ। हाँ, उसे फौरन यहाँ बुलाओ। हमारा फूलदान कहाँ गया? आखिर में तो तुम ही यहाँ थे, बताओ कहाँ है वो? मैं उसे साफ करने ले गया था। सफाई? उसके लिए उसे यहाँ से ले जाने की क्या जरूरत थी? उसे फौरन वापस लाओ। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, पर दरअसल सफाई करते वक्त गलती से गिरकर टूट गया वो। टूट गया? मगर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे साफ करने ले गए हो। गलती से गिराने के लिए हम तुम्हें माफ कर देते हैं, मगर हम तुम्हें झूठ बोलने की सजा देंगे। हमें झूठ से सख्त नफरत है। दफा हो जाओ हमारी सल्तनत से। सिपाहियों, ले जाओ इसे यहाँ से। हुजूर, माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे गलती हो गई हुजूर, मैं डर गया था हुजूर, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, हुजूर माफ कर दीजिए हुजूर। इस तरह हमने उसे देश निकाला की सजा दी। किसी भी झूठे को कतई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमेशा सच बोलना चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया हुजूर, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्चाई सबसे बेहतर है। हाँ, यकीनन। क्या आप में से कभी किसी ने झूठ बोला है? नहीं जाकर, झूठ कभी नहीं, कोई नहीं सकता जाकर, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो झूठ बोलना आता ही नहीं है, मुझे तो झूठ बोलना भी नहीं आता हुजूर। बीरबल, तुम क्या कहते हो? तुमने कभी झूठ बोला है? मैंने कभी ना कभी तो झूठ बोला है जापना। तुम्हारा मतलब है कि हमारे दरबार के 9 रत्नों में से 1 रत्न झूठा है? लेकिन हुजूर, हमें कभी ना कभी तो झूठ बोलना ही पड़ता है ना। मुझे ये यकीन है हर कोई झूठ बोलता है, किसी को नुकसान या ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, पर किसी को ठेस ना पहुंचे इसलिए। नहीं, हमें नहीं लगता कि किसी को भी किसी भी हालत में झूठ बोलने की जरूरत है। और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे दरबार का खास मंत्री एक झूठा शख्स हो। लेकिन हुजूर, नहीं नहीं नहीं, अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हमारे उसूल सबके लिए बराबर हैं, इसलिए अब तुम हमारे दरबार में मंत्री नहीं रह सकते बीरबल। हमें झूठ और झूठों से सख्त नफरत है, हम अपने दरबार से तुम्हें निकालते हैं। चले जाओ यहाँ से और अपनी सूरत कभी मत दिखाना। मैं जैसी आपकी मर्जी हुजूर। जाकर मेरे लिए शहर का सबसे अच्छा सुनार ढूंढो। उसे कहना कि ऐसी ही एक डाली सोने की बनाए, पूरी डाल से लेकर गेहूं के दानों तक एक डाल जैसी होनी चाहिए सेवक राम। तो जाकर एक बढ़िया सुनार ढूंढ कर उससे ये काम करवाओ। हमने तुम्हें अपने दरबार से निकाल कर कहा था कि कभी अपनी सूरत मत दिखाना, तुमने हमारे हुक्म की तामील क्यों नहीं की? हुजूर, मुझे माफ करें, मैं आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करना चाहता था। तो यहाँ क्यों आए हो? हुजूर, आपने मुझे दरबार में आने से मना किया हो, फिर भी मैं इस राज्य का वफादार नागरिक हूँ। मुझे एक ऐसी चीज मिली है जो इस सल्तनत को दुनिया में सबसे अमीर बना देगी, इसलिए सोचा आपको आकर दिखा दूं। सचमुच?
ऐसी क्या चीज है जो हमारी सल्तनत को दुनिया में सबसे अमीर बना देगी? दिखाओ हमें। ये तो असली सोना है। जी हुजूर, ये बिल्कुल असली सोना है। मगर इसका क्या मतलब है और इसका करना क्या चाहिए? हुजूर, ये सोने की डाली मुझे एक ज्योतिषी ने दी थी जो बरसों की तपस्या के बाद हिमालय पर्वत से लौटे थे। ये उन्हें भगवान से वरदान में मिला था। उन्होंने कहा कि अगर हम इसे सबसे उपजाऊ जमीन पर बोएंगे तो सोने की खेती कर सकते हैं। बीरबल, क्या तुम्हें यकीन है? हुजूर, वे ज्योतिषी कोई आम आदमी नहीं थे। मुझे तालाब के पास ये डाली देकर वो तालाब के उस पार पानी पर चलकर पार कर गए। पानी पर चलकर गए? जी हुजूर, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे हम जमीन पर चलते हैं, वैसे वे पानी पर चलकर तालाब पार कर गए। हुजूर, खैर बीरबल, अब वक्त जाया मत करो और जल्दी से सबसे उपजाऊ जमीन ढूंढकर इस बाली को वहाँ बो दो। हुजूर, मैंने पहले ही ये काम कर दिया है। हुजूर, मैंने पहले ही ये काम कर दिया है और ऐसी एक जमीन भी ढूंढ ली है। मैं आपको अभी वहाँ ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो फिर हम कल ही इस बाली को बोएंगे। कल सवेरे यहाँ आना और हम साथ चलेंगे। दूसरों को भी तुम बता देना कि वो जमीन कहाँ है, ताकि वो भी वहाँ आकर सोने की इस बाली की बुआई को देख सके। यही वो जगह है। तो फिर देर किस बात की है? जाओ बीरबल और बाली को बो। नहीं हुजूर, मैं ये डाली नहीं बो सकता। नहीं बो सकते? क्या मतलब तुम नहीं बो सकते? हुजूर, सिर्फ वही इसकी बुआई कर सकता है जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। अगर कोई झूठा इसे बोएगा तो ये सोने की डाली नहीं उगेगी। और जैसे मैंने आपसे कहा है, मैंने जीवन में कई बार झूठ बोला है। ठीक है, तो फिर आप में से कोई आगे आकर इस बाली को बोइए। हमें यकीन नहीं होता। हमारे पास एक भी ऐसा आदमी नहीं जिसने कभी झूठ न बोला हो। हुजूर, मुझे लगता है कि सिर्फ आप ही इसकी बुआई कर सकते हैं। सिर्फ आप। हुजूर, अब सिर्फ आप ही हैं जिसने कभी झूठ नहीं बोला है, तो क्यों ना आप ही इस डाले को बो दें? हमने भी बचपन में कभी कुछ झूठ बोले होंगे, इसलिए हमें नहीं लगता कि हम। हुजूर, मैं झूठ बोल रहा था। ये सोने की डाली जादुई नहीं है, ना ही ये मुझे किसी ज्योतिषी ने दी थी। इसे मैंने शहर के एक जौहरी से बनवाई थी। जी हुजूर, आप समझ गए होंगे कि हर किसी को कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। सच्चाई छुपाने या धोखा देने को नहीं, बल्कि इसलिए कि किसी का दिल न दुखे या शर्मिंदा न होना पड़े या किसी और अच्छे कारण के लिए। हम समझ गए बीरबल, और सच बोलने पर तुम्हें सजा देने के लिए माफी चाहते हैं। और बिना डरे हमें अपनी गलती का एहसास करवाने के लिए हम तुम्हें